हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, सुप्रियाज किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने अपने ऑयल कैन से नए प्लांटर्स बनाए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अभी रेनी सीज़न के लिए प्लांटर्स तैयार कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ऑयल कैंस होती है फ्रेंड्स, हम उसी से नए प्लांटर्स, अच्छे डेकोरेटिव प्लांटर्स बना सकते हैं। तो मैंने ये दो प्लांटर्स बनाए हैं, और भी कई सारे प्लांटर्स मैंने बनाए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दो प्लांटर्स कैसे बनाए हैं वो बताने वाली हूँ। इन प्लांटर्स को बनाना बहुत ही आसान है, ये कोई भी इसे बना सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हमने इन प्लांटर्स को किस तरह से बनाया है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंस थी, ऑयल कैंस, जो हमारे घर पर खाली हो जाती है और हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं जनरली। तो हम इन कैंस को ना फेंक कर हम इनके अच्छे अच्छे प्लांटर्स बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी 3 कैंस इकट्ठा हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं 2 ऑरेंज कलर की जो कैंस है उनसे ही कुछ सेम बनाऊंगी, दोनों से भी कुछ वो मिलती जुलती है इसलिए। और ये जो है दूसरी ग्रीन कलर की, तो उसका DIY मैं बाद में बनाऊंगी और वो अलग से कुछ बनाऊंगी, सोचूंगी बाद में। इससे हम गणेश जी का फेस अच्छे से बना सकते हैं, कुछ ऐसे ही मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ तो बिल्कुल वो देखिए, ये सोन के जैसी वो हैंडल है। और हम यहाँ पर इनके आईज़ वगैरह ड्रॉ कर देंगे और नीचे से बॉटम को कट कर देंगे, यहाँ से ऐसा। ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है, थोड़ा अंदर से ही कट करना है, क्योंकि वो फिर अच्छा दिखना चाहिए। जब हम गणेश जी का फेटा निकालेंगे, पगड़ी निकालेंगे, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए होगी, तो इसलिए हमें वो लाइन से ही कट करना है। कैन की जो लाइन है वहीं से हम कट करेंगे, ज़्यादा बाहर से नहीं कट करेंगे। और फ्रेंड्स, जब तक मैं ये कट कर लेती हूँ, तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहूँगी, DIYs, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, वो सब की नोटिफिकेशन सबको मिलते रहे। ये हमने कट कर दिया है, अभी हम इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ से हम प्लांट को लगा सकते हैं मिट्टी डालकर, क्योंकि हमने कैन को उल्टा ही रखना है। देखिए, अभी हम आइज़ निकालेंगे, उसके लिए हम थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास स्केच पेन है ब्लैक कलर की, तो मैं उसी से ड्रॉ करूँगी पहले। फ़िलहाल तो हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि शॉप्स तो सभी अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से। बाद में मैं इस पर पेंट करूँगी, क्योंकि एक बार पेंट हो गया तो वो फिर मिट नहीं सकता ना, इसलिए। ये देखिए, हमने ये आइस ड्रॉ कर ली है, अभी हमारा रफ वर्क चालू है, फेयर वर्क बाद में करेंगे। और इधर साइड से भी ऐसे ही आइस ड्रॉ करनी है। दोनों आईब्रोज की हाइट सेम आनी चाहिए, इसलिए देख लेना कि इधर से जितनी हाइट पर आपने ड्रॉ की है उधर से भी उतनी ही हाइट पर आपको ड्रॉ करनी है। अभी हम पेंट करेंगे ब्लैक कलर से, मेरे पास एक्रेलिक कलर है, मैं उसी से पेंट करती हूँ। अगर मार्कर पेन है ब्लैक कलर की तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। फ़िलहाल तो मेरे पास ब्लू और रेड कलर है, लेकिन ब्लैक कलर की मेरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए जो अपने पास अवेलेबल है वही यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने आइज़ को पेंट कर लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। हमने सिर्फ आइज़ ही निकाले हैं अभी, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी हम गणेश जी की पगड़ी बनाएंगे, तो पगड़ी बनाने के लिए हमने येलो कलर चूज़ किया है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये जो फर्स्ट लेयर दिख रही है ना, वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस
इस तरह से हमें पेंट करना है पगड़ी को। जैसे कि पगड़ी पर लाइंस दिखती है तो हमारे पेंटिंग में भी थोड़ी थोड़ी लाइंस दिखनी चाहिए। ये हमारा येलो कलर का ड्रॉ हो चुका है पगड़ी। अब हम रेड कलर की बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर से गेटअप अच्छा आएगा। हमने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है, देखिए। अभी हम बीच में सेंटर में टीका लगाएंगे। कोई भी हमारे पास स्टोन हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ नहीं है तो पेंट से भी लगा सकते हैं टीका। देखिए, हमने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, थोड़ी सी ही पेंटिंग के बाद देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे गणेश जी। अभी हम इनकी सोंड पर कुछ येलो कलर के लाइन्स निकालेंगे। देखिए, ये अभी हमारा प्लांटर तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह से हमारा प्लांटर दिख रहा है ना, बिल्कुल गणेश जी की मूर्ति दिख रही है कि नहीं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, कोई भी बना सकता है इसे। देखिए, ये दो हमने बना लिए हैं क्योंकि ये ऑरेंज कलर के दो थे हमारे पास, तो सेम बनाए हैं हमने। इनमें नीचे से ड्रेनेज होल भी लगाने हैं, देखिए ऐसे नीचे से। तो हमने दो तीन ड्रेनेज होल्स लगाए हैं और पीछे की साइड में भी एक होल डालना है, लेकिन वो 1.5 इंच नीचे होना चाहिए क्योंकि हमें लटकाना होता है दीवार पर, तो वो मजबूत रहना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखिए, ये हमने कुछ टीका और एक ऐड किया है। हमें छोटा लग रहा था तो हमने और एक दूसरा टीका उसके नीचे लगा दिया है, तो अभी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी हम इसे दीवार पर लगा देंगे, इसमें प्लांट लगाएंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हमने देखिए प्लांट लगा दिया है, यूफोरबिया के प्लांट्स है, कितने सुंदर दिख रहे हैं। और बीच में जो बेल है वो खाने के पान की बेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल हैप्पी गार्डनिंग।